Hello, Vivek Kumar. Welcome on to YourPedia. Let's start your snap interview on the subject induction machines for BPSC lecture. Okay, sir. See, what are the conditions to satisfy for the production of rotating magnetic field? Sir, rotating magnetic field होने के लिए सबसे पहले जो current है उसका जो मैग्नीट्यूड, जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होना चाहिए और उसके बीच का जो फेज एंगल है वो 120 डिग्री होना चाहिए और जो वाइंडिंग है उसका जो डिस्प्लेसमेंट एंगल है मतलब जो स्पेस एंगल है वाइंडिंग का वो भी मतलब 120 डिग्री से स्पेस्ड होना चाहिए। ये दो कंडीशन होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। You mean to say if I have a phase displacement of 120 instead of 120 degrees, I have 90, 90, 90. Then yes, does this I can say rotating magnetic field will not produce? Yes, sir. Will not produce, sir. Will not produce. You mean to say that is equal, or that is going to be equal to zero? Yes, sir. Rotating magnetic field produce ही नहीं होगा 120 डिग्री से अगर कोई अदर एंगल होगा तो टू फेज में प्रोड्यूस नहीं होता। I have two phases only A and B having an angle displacement of 90-90. तब नहीं होता? Yes, sir, नहीं होगा sir. Okay. Suppose I have four phases. The displacement is I can say like how much is 360/4? 60 degrees, right? 60, 60, 60 like that I have. Okay. This होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा sir. Can you prove? Can you prove by taking two phases? Take two windings which are having a physical displacement of 90 and two currents which are having a time displacement of 90. Prove it. What is rotating magnetic field? Ia into Na plus Ib into Nb, where N is number of turns. Na is N into sine of omega t minus 90, right? Sine omega t minus 90, right? Sir, इसका प्रूफ सर नहीं पता था। Okay, fine. What are the differences between a transformer and a induction machine? ट्रांसफार्मर में जो नो लोड करंट होता है वो 2 to 6% होता है और हम कह सकते हैं कि वहाँ पे, और इंडक्शन मशीन में जो नो लोड करंट होता है वो ज्यादा होता है, 30 to 50% होता है। Why the no load current of induction machine is very high? क्योंकि यहाँ पे एयर गैप ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट या फिर नो लोड करंट बहुत ज्यादा होता है। ट्रांसफार्मर में एयर गैप कम होता है, इसकी वजह से वहाँ पे मतलब कि नो लोड करंट या मैग्नेटाइजिंग करंट जो है वो कम होता है। उसके बाद जो ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज रेशियो पे डिपेंड करता है, इसका टर्न्स रेशियो। लेकिन इंडक्शन मशीन में यहाँ पे स्लिप पे वोल्टेज डिपेंड करता है, जैसे हमारा स्टैंड स्टिल पे ही वोल्टेज इक्वल होगा, उसका टर्न्स रेशियो इक्वल होगा, लेकिन अगर रनिंग कंडीशन में है तो वो स्लिप पे डिपेंड करेगा। उसके बाद स्लिप होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड the speed of the rotor. ये स्लिप होता है। Okay. See, is there any situation this induction motor runs with synchronous speed? Does it will run? No, sir. It will not run in synchronous speed. अगर ये रन करेगा तो फिर सर स्लिप इसका 0 हो जाएगा और फिर टॉर्क ही प्रोड्यूस नहीं होगा इंडक्शन मोटर में। Okay. Fine. See, what are the two types of induction motors? Squirrel cage induction motor and slip ring induction motor. Okay. So in these two, which one is more robust? Sir, squirrel cage induction motor is more robust as compared to slip ring induction motor. Okay. Why? सर बिकॉज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर रनिंग परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बेटर होता है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में कूलिंग ज़्यादा बेटर होता है, इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर है वो ज्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, तो इसका यूज हम लोग ज्यादा करते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का सिर्फ एक खासियत होता है कि इसमें स्टार्टिंग टॉर्क ही ज्यादा होता है, बाकी सारी पॉजिटिविटी भी जो होता है वो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में ज्यादा होता है। ओके, व्हाट आर द मेथड्स टू इंक्रीज स्टार्टिंग टॉर्क? स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज करने के लिए हम लोग रोटर के साथ सीरीज में हम लोग स्टार्टिंग रेसिस्टेंस को ऐड करते हैं, जिससे स्टार्टिंग टॉर्क स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का बढ़ जाता है। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क फार्मूला ऑफ इंडक्शन मोटर? मैक्सिमम टॉर्क फार्मूला इज 3 × 60 divided by 2 pi ns into E2 square divided by 2 into X2. Can you repeat? 3 × 60 divided by 2 pi ns. This is constant term, and into E2 square divided by 2 into X2. Maximum torque of induction motor. So, what is the value of slip during this maximum torque? Slip is equal to R2 upon X2. Okay, R2 upon X2. X2. Okay, fine. See, what is the condition for an induction machine to work as induction generator? The speed of the rotor should be greater than synchronous speed. और यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड से अगर ज्यादा हो जाए स्पीड तो इंडक्शन जनरेटर की तरह वर्क करता है, और यहाँ पे स्लिप जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है, तो टॉर्क भी यहाँ पे नेगेटिव प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो मुझे ये बता, आई एम रोटेटिंग माई इंडक्शन मशीन, आई एम रोटेटिंग, यस सर, इफ आई एम रोटेटिंग फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटर ओनली ना, व्हाई वी मैकेनिकल इनपुट? Mechanical input is given for generators, right? Okay, sir. Okay, but I am rotating that machine with less than synchronous speed. Yes, sir. Does I get output EMF, or does it will behave as induction generator? No, sir. It will not induction generator की तरह वो behave नहीं करेगा, क्योंकि स्पीड ऑफ द रोटर शुड, मैंने मैकेनिकल एनर्जी जो दे रहा है वो कहां पे जा रहा है? आई एम गिविंग सम मैकेनिकल इनपुट विद हेल्प ऑफ प्राइम मूवर, बट नोइंगली आई एम रोटेटिंग माय इंडक्शन मशीन एट लेस देन सिंक्रोनस स्पीड, देन व्हाट हैपेंस टू द मैकेनिकल एनर्जी दैट आई एम गिविंग? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट मस्ट कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यस सर, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। So you are saying that induction motor की तरह इधर behave करेगा सर। So if it is motor, it has to rotate on its own by taking electrical energy. सर लेकिन कंडीशन होता है इंडक्शन जनरेटर का स्पीड ग्रेटर होना चाहिए सिंक्रोनस स्पीड से। Yeah, I accept it, but still I am giving mechanical input. Knowingly I am giving less. I am rotating the generator at less than synchronous speed. Then. Yes. Sorry, sir. I can't recall the exact answer, sir. Okay, fine. Yeah. For generator to work, what is the generator principle? Can you use the principle of generator? Can you state the principle of generator principle? Yes, sir. Generator principle में मतलब कि ये Faraday law पे depend करता है, और यहाँ पे जो flux है, फ्लक्स कट करता है कंडक्टर, तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है, और जो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। यही होता है जनरेटर प्रिंसिपल। तो ईएमएफ जनरेटर होने के लिए दो कंडीशंस चाहिए, एक मैकेनिकल इनपुट चाहिए, एक तो फ्लक्स चाहिए। यस सर। तो इंडक्शन जनरेटर में फ्लक्स आप कैसे दे रहे हो सर? इंडक्शन जनरेटर में ये रिएक्टिव पावर सर ले रहा है 3 फेज सप्लाई से, सो रिएक्टिव पावर जब ये ले रहा है थ्री फेज सप्लाई से, तो यहाँ पे इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जनरेटर मतलब हम सप्लाई हमें आना है उससे। आपको मैं ऐसा इंडक्शन मशीन दिया, मैं आपको केवल मैकेनिकल एनर्जी दे रहा हूँ। अभी देखो डीसी मशीन है, डीसी मशीन को मैकेनिकल एनर्जी देने से वो इलेक्ट्रिक एनर्जी देगा, है ना। डीसी मशीन में, सिंक्रोनस मशीन में पोल्स है, रोटर पे पोल। डीसी मशीन में तो स्टेटर में पोल्स रहता, सिंक्रोनस मशीन में रोटर पे पोल्स रहता। तो इंडक्शन जनरेटर कैसे काम करेगा, फ्लक्स कहाँ से मिल रहा है? यस सर। सर इसका पूरा वर्किंग बता सकते हैं किस तरह से करेगा सर? क्या प्लीज सर, यहाँ पे इंडक्शन जनरेटर का जो रोटर होता है वो प्राइम मूवर से कनेक्ट होता है, और इंडक्शन जनरेटर का जो स्टेटर होता है वो थ्री फेज सप्लाई से कनेक्ट होता है। तो जो रोटर होता है, नहीं, इंडक्शन जनरेटर का तो जो स्टेटर है वो लोड को कनेक्ट करो। मेरा पास एक थ्री फेज लोड है, वो दे रहा हूँ मैं आपको। आई एम नॉट सेइंग टू कनेक्ट टू ग्रिड, आई एम नॉट आस्किंग यू टू कनेक्ट टू द ग्रिड। इफ यू कनेक्ट टू द ग्रिड, यस दैट इज ओके फाइन, बट मेरे पास एक लोड है, वो लोड को कनेक्ट करो सर। लोड से फिर वो रिएक्टिव पावर लेगा, रिएक्टिव पावर इसको कंपलसरी चाहिए। देखो लोड प्योरली रेजिस्टिव है, देन तो फिर सर इंडक्शन जनरेटर बिहेव ही नहीं करेगा इंडक्शन जनरेटर के जैसा। तो एक कैपेसिटर बैंक से रिएक्टिव पावर हम सप्लाई कर सकते हैं, कनेक्ट ऑन कैपेसिटर बैंक। यस सर, अगर कैपेसिटर बैंक से फिर ये रिएक्टिव पावर लेगा और फिर प्राइम मूवर से इसका रोटर रोटेट करेगा एबव सिंक्रोनस स्पीड में, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा जो रिएक्टिव पावर ले रहा है कैपेसिटर बैंक से। उसके बाद फिर ये एक्टिव पावर सप्लाई करेगा लोड को इंडक्शन जनरेटर। इस तरह से सर वर्क करेगा। लेट मी गिव यू फीडबैक विवेक कुमार। फाइन, यूर द वे यू आंसर्ड इज वेल, बट मैंने डेप्थ वाला क्वेश्चंस नहीं पूछा, ओनली सिंपल क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये मैकेनिकल एनर्जी का है ना, आप जो मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है वो लॉसेस में चला जाएगा, मतलब वेयर एंड टेयर लॉसेस, ये रोटर लॉसेस वो भी होता है ना, यू आर रोटेटिंग इट, मैकेनिकल लॉसेस होता है ना। यस सर, दैट इज, सी द मैकेनिकल एनर्जी व्हाट यू आर गिविंग विल बी गोइंग इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल लॉसेस। फाइन, ओके, यू कैन लीव दिस प्लेटफॉर्म। ओके सर, या प्लीज सर, अगर स्पीड लेस होगा सिंक्रोनस स्पीड से, तो इंडक्शन जनरेटर सर वर्क करेगा क्या? नहीं करेगा, वही तो बोल रहा हूँ ना। सी द मैकेनिकल एनर्जी व्हाट वी आर गिविंग विल बी वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल लॉसेस, दैट्स ऑल। ओके